चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सलवार की कटिंग बताएंगी। नए लोग बिना इंची टेप एक सलवार से दूसरे सलवार की कटिंग कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 2 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है, यहाँ पे हमने नाप लिया है, तो चलिए जिस नाप का बनाना है उस नाप का हम कटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को अच्छे से आयरन कर लेना है, तो यहाँ पे हमने आयरन कर लिया हुआ है। इस कपड़े को ऐसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम इसको ऐसे डबल करेंगे फोल्ड, ये बराबर से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कर लिया। अब हमें कटिंग कैसे करना है, उससे पहले आपको नाप लेना है, जिस नाप का आपको बनाना है वो नाप उठाना है, और जितना इंच का पोछा रखना चाहते हैं मोहरी का चौड़ाई, उतना पे आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमने फोल्ड कर दिया, उसके बाद इसका लंबाई देखना है। तो यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर लिया, इतना ऐसे फोल्ड में जाएगा, और यहाँ से आप सलवार का लंबाई देखेंगे बेल्ट छोड़ते हुए, तो इतना ये लंबाई हो गया। अब इस मार्किंग को ऐसे सीधा कर लेंगे ये, और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जाएगा बीच वाला पल्ला हो गया ये। अब यहां से अलग अलग कर लेंगे, ये हो गया बीच वाला पल्ला। अब कली की कटिंग करेंगे, कली की कटिंग कैसे करेंगे वो देखिए। तो उससे पहले हमें इसको ऐसे डबल करके बेल्ट पहले निकाल लेना है, उसका जो कपड़ा बचेगा उसका कली निकाल देंगे। तो यहां से इतना जाएगा फोल्ड के लिए बेल्ट में, तो यहां से बेल्ट का फोल्ड कर लेंगे इतना, उसके बाद यहां से लंबाई इतना हाफ इंच मार्जिन ले लेंगे। अब यहां से कटिंग कर देंगे ये हो गया बेल्ट। अब जो कपड़ा बचा है इससे हम कली निकालेंगे, तो ये कपड़ा जो है इसको हमें 4 कलियों में निकालना है। तो कपड़ा को ऐसे डबल करके रख लेंगे, ये कपड़ा को हमने ऐसे डबल कर लिया, ये उसके बाद अब हमें कली निकालना है। तो कली हम कैसे निकालेंगे, यहां से हमें देखना है आसन यानी कि म्यानी। तो म्यानी देखने के लिए हमें फिर इसी सलवार को उठाना होगा, और इसका ये आसन को उठाना होगा, और इसका लंबाई देखना होगा। तो यहां से इतना जाएगा आसन में वो, और यहां से इसका लंबाई देख लेंगे, बीच वाला पार्ट से हमने ले लिया है, और इतना फोल्ड में जाएगा, तो उसको इतना छोड़ते हुए यहां से ये। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ये देखिए ये ऐसे हमने इसको मोड़ दिया। अब कर लेंगे इसके पहले कली की कटिंग इधर साइड, ये अब इधर से बंद है, इसको हम जॉइंट को खोल देंगे। ये हो गया 2 कली, और 2 कली अब इससे निकाल देंगे। ये वाले कपड़े को ऐसे हमने डबल रख लिया है, ये भी डबल में ही है, और इसको हमें ऐसे बिल्कुल बराबर से यहां रख लिया, और ये जो एक्स्ट्रा है ये 4 कली हो गई कटिंग। ये अब हमें निकालना है डोरी, तो डोरी निकाल लेंगे। ये जो हमने ये हो गया बीच वाला पल्ला, और ये हो गया 4 कली,
इधर जाएगा, कैसे सेट होगा वो भी दिखाएंगे। और ये जो बचा है इससे हमें निकालना है डोरी यानी कि जारवन। तो इसमें हम ऐसे कट कर दिए, ये इससे दोनों डोरी चला जाएगा। तो पूरी हो गई सलवार कटिंग कंप्लीट। अब पूरी के फुल व्यू दिखाती हूँ। ये हो गया बीच वाला पल्ला, इसी में दोनों पल्ला है। ज्वाइंट कैसे होगा वो दिखाती हूँ। और चारों कली जो है इधर साइड ज्वाइंट होती है। सलवार सिला कैसे जाता है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सिलेंगे कैसे आप आसानी से, ये हो गया। और ये ऐसे, और ये जाएगा बेल्ट, और जो होगा वो चुनट लग के ये बेल्ट जाएगा। और ये जो है ये डोरी जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की सलवार कटिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे कीजिए कमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ, जब तक के लिए बाय।